भारत की जनसंख्या की लगभग 79.8% आबादी हिंदुइज्म को फॉलो करती है। ये तो बस आंकड़े हैं। अब प्रश्न हमारे सामने यह उठता है कि भारत में हिंदू किसे कहा जाता है और हिंदू कौन होता है, या फिर हिंदू लॉ किस पे अप्लाई होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 2 में मिलता है, जो कि कहता है और बात करता है एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट की। इससे पहले कि हम एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट को पढ़ें, हमें पता होना चाहिए हु इज हिंदू। तो कुछ हुआ यूं था कि हिंदू शब्द ओरिजिनली सिंधु शब्द से आया था। जब पार्सियन पीपल यहाँ पे आए तो उनको एस प्रोनंसिएट करने में प्रॉब्लम होती, वो एस को एच प्रोनंसिएट करने लगे। समय के साथ सिंधु शब्द हिंदू शब्द में तब्दील हो गया और जहाँ पे हिंदू लोग रहते थे उस जगह को हिंदुस्तान कहने लगे और सिंधु लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। द वर्ड हिंदू हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड सिंधु, पार्सियन प्रोनाउंस्ड द अल्फाबेट एस एज एच, देयरफॉर दे स्टार्टेड कॉलिंग द पीपल लिविंग ईस्टर्न साइड ऑफ सिंधु एज हिंदू एंड लैंड कॉल्ड हिंदुस्तान। द टर्म हिंदू डिनोट्स ऑल द पर्सन हु प्रोफेस हिंदू रिलीजन आइदर बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन टू द हिंदू फेथ। यानी कि हिंदू हम उन सभी लोगों को कंसीडर करेंगे जो कि हिंदू बाय रिलीजन हो, हिंदू बाय बर्थ हो या फिर हिंदू बाय कन्वर्जन हो। अब ये हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू बाय बर्थ और हिंदू बाय कन्वर्जन में फ़र्क क्या है? सभी हिंदू होते हैं, पर हिंदू बाय रिलीजन ऐसे लोग होते हैं जिनके मदर और फादर यानी कि पेरेंट्स, माता पिता दोनों ही हिंदू होते हैं और उनके बच्चे को हम हिंदू बाय रिलीजन बोलेंगे। जबकि हिंदू बाय बर्थ में ऐसे लोग आते हैं जिनके मदर या फादर में से कोई एक हिंदू हो और बचा हुआ एक किसी और रिलीजन को फॉलो करने लगता हो या फॉलोवर हो। जैसे कि एक्स और बाई, एक्स वाइफ है जो कि हिंदू है, बाई हस्बैंड है जो कि मुस्लिम है, ए उनका बेटा है। अब जो ए है वो अपनी माता के साथ ज़्यादा अटैच्ड है, माता के साथ रहता है, तो उन्हीं के बिलीफ प्रैक्टिसेस और फेथ को फॉलो करने लग जाता है। उसके अंदर हिंदू रिलीजन ज़्यादा फॉलो करने की आदत है, तो वो हिंदू बाय बर्थ बन जाएगा। जबकि हिंदू बाय कन्वर्जन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि पैदा तो हिंदू नहीं होते हैं, बट वो टाइम जब वो हिंदू रिलीजन में थोड़ा इंटरेस्ट पाते हैं और अपने रिलीजन को चेंज करा लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हम हिंदू ही कंसीडर करेंगे और ऐसे लोगों को हम हिंदू बाय कन्वर्जन कहेंगे। अब जो सेक्शन 2 है एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट की बात करता है, तो इसका क्लॉज 1 बोलता है दिस एक्ट अप्लाइज पहला टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग अ वीर सेव, अ लिंग्यात और अ फॉलोवर ऑफ द ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज। यानी कि यह एक्ट अप्लाई होगा उन सभी लोगों पे जो हिंदू बाय रिलीजन हो। ये हिंदू बाय रिलीजन में उन सभी लोगों को कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो वीर सैव हो, लिंग्यात हो या फिर ब्रह्म, प्रार्थना और आर्य समाज के फॉलोवर हो। अब ये वीर सैव कौन से लोग होते हैं? तो वीर सैव आर द वर्शिपर्स ऑफ द लॉर्ड शिवा एंड दे डू नॉट वर्शिप एनी अदर गॉड रेदर देन लॉर्ड शिवा। तो इनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, इन्हें भी हिंदू ही कंसीडर किया जाता है, बट एक तरीके से कहा जाता है ये अलग अलग मठ हैं। तो फिर ये जो वीर सैव लोग होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड शिवा को ही पूजा करते हैं और किसी और देवी देवता को नहीं मानते हैं। जबकि जो लिंग्यात होते हैं वो फॉलोवर होते हैं ब्रशवना के और उनकी टीचिंग को ही फॉलो करते हैं। सेक्शन 2 का क्लॉज 1 का बी पार्ट बोलता है टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। यानी कि दिस एक्ट अप्लाइज, यह एक्ट अप्लाई होगा उन सभी लोगों पे जो कि बुद्धिस्ट है, जैन है, हिंदू हैं और सिख है रिलीजन में। हिंदू लोगों पे तो ये एक्ट अप्लाई होता ही होता है, साथ ही साथ इंडिया में बुद्धिस्ट, जैन और सिख लोगों पे ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट ही अप्लाई होता है। क्लॉज सी कहता है दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन, अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ और बाय एनी अदर कस्टम और यूसेज एज पार्ट ऑफ दैट लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर डेल्ट विद हेयर इन इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड। यानी कि यह वाला क्लोज यह बोलता है कि ऐसे लोग जो कि ना ही मुस्लिम है, ना ही क्रिश्चियन है, ना ही पारसी है, ना ही जियो यानी यहूदी हैं, तो ऐसे अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो इन रिलीजन्स को फॉलो नहीं करता है तो उसको इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू लॉ से ही गवर्न किया जाएगा। अब सेक्शन 2 में ही
एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। तो इस क्लॉज को एक्सप्लेन किया गया है लॉ में, जो कि कहता है द फॉलोइंग पर्संस आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख बाय रिलीजन एज द केस मे बी। यानी कि फॉलोइंग लोगों को हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख माना जाएगा जैसा कि केस होगा। पहला, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। यानी कि ऐसा बच्चा चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट का मतलब होता है धर्मज या अधर्मज, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में जायज और नाजायज बोल सकते हैं। चाहे जैसा भी बच्चा हो, अगर उसके दोनों ही पेरेंट्स यानी बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स, माता पिता दोनों ही हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं, तो ऐसे बच्चे को हम हिंदू ट्रीट करेंगे। क्लॉज बी बोलता है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट इज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एंड हु इज ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग और बिलोंग्ड एंड। यानी कि ऐसा बच्चा जो चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, उसका कोई भी एक पेरेंट यानी कि माता पिता में से कोई भी एक अगर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख है, तो ऐसे बच्चे को भी हम हिंदू लॉ से ही गवर्न करेंगे। अब इसी में क्लॉज सी बोलता है एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और अ सिख रिलीजन। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने धर्म को परिवर्तन करा लिया हो, तो ऐसे इंसान को हम हिंदू रिलीजन, हिंदू लॉ से ही गवर्न करेंगे, और वो हिंदू रिलीजन का अगर फॉलोवर है तो उसे हिंदू लॉ से ही ट्रीट किया जाएगा। इसी का क्लॉज टू बोलता है Not withstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the member of any scheduled tribes within the meaning of clause 25 of article 366 of the constitution unless the central government by notification in the official gadget otherwise directs। यानी कि यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा उन लोगों के ऊपर जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 के अंदर आते हैं। तो क्लॉज 25, आर्टिकल 366 का क्लॉज 25 डील करता है शेड्यूल ट्राइब से, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो हमारा क्लॉज 1 दे रखा था सेक्शन 2 में, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो अब हमारा क्लॉज 3 है वो बोलता है द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज इफ इट include a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provision contained in this section। यानी कि क्लॉज 3 हमारा यह बोल रहा है ऐसे व्यक्ति जो कि हिंदू रिलीजन को फॉलो ना करते हों और ना ही किसी और रिलीजन को फॉलो करते हों, यानी उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, बिलीफ है, फेथ है, वो गॉड पे है ही नहीं, यानी कि जिन्हें हम नास्तिक लोग भी बोल सकते हैं, ऐसा अगर कोई पर्सन है तो उसको भी हम हिंदू लॉ से ही गवर्न करेंगे। अब इसी में एक बहुत बड़ा और अच्छा लीडिंग केस है जिसका नाम है सौंदर गोपाल सौंदर रजनी AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में कहा गया था जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका जो नेचर है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन नेचर है। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों पे अप्लाई नहीं होता है जो कि इंडिया के अंदर हैं, बल्कि यह एक्ट उन लोगों के ऊपर भी चला जाता है जो इंडियन सिटीजन थे, हिंदू थे, और वो अगर किसी अब्रॉड में जाते हैं, वहाँ बस जाते हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी हिंदू लॉ अप्लाई होगा। द हिंदू मैरिज एक्ट हैज़ extra territorial application and applies to all the Hindus living in India or abroad provided they are domiciled in India। I hope आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।